बदमा का कार्यक्रम आपके गांव बसेरी से पेश किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार जीतू शर्मा एंड भीकम सियादी विसावल दाऊ जी नगला छत्ती की ओर से ढोलक पर संगति कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई उपेंद्र जी डिडवारी निवासी पैर बजा रहे हैं, झिकड़ी के बहुत ही अच्छे गायक रामजीत जी बरी का निवासी झीका की संगति कर रहे हैं। हमारे घनश्याम जी रूपा और जो ये प्रोग्राम आपको YouTube के माध्यम से दिखाया जाएगा, हमारे देशपाल डीजे साउंड कठुमर वालों की तरफ से लीजिए ये झिकड़ी की एक और रंगारंग प्रस्तुति। आदरणीय पंच कमेटी संत महाराज मातृशक्ति और दूर दराज से आए सभी श्रोता बंधु, आपका ये गांव आपका ये क्षेत्र विद्वानों का क्षेत्र है और वीरों का क्षेत्र है, इसीलिए आपको प्रणाम करता हूं, इस क्षेत्र को नमन करता हूं। लेकिन रसिया जी कभी एक कविता के माध्यम से चार लान के द्वारा क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है? सायर सपूत में और साजो सबको और कायर कपूत कछु का में ना आवे और फल बिन डार न बतना एक बहू तो गुरु बिन ज्ञान कहां से आवे, बिन संतोष सुखी मत जानो और बिन स्वर ताल कहा कोई गावे, कहत शिव राम खेत बिन नाज तो कुल बिन लाज कहा ते आवे। अब देखेंगे यहां से मेरी भवानी दो मिनट की और कुछ तरीके से धुन दिखाएंगे, बेटा तुझे देख मेरा दिल धड़का। दोस्तों फिल्मी दुनिया वाला ने तुझे देख मेरा दिल धड़का, हो जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है, चाचा तुझे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की कोई हूर नहीं मेरे कॉलेज की, वो एक लड़की है जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की, एक लड़की है जन्नत की वो। लेकिन मेरा क्या कहना है, मुझे विश्वास है कि आप लोग पसंद भी करेंगे और आशीर्वाद भी देंगे। रामायण और भागवत हो, रामायण और भागवत हो, रामायण और भागवत ये गीता कहती है, रामायण और भागवत ये गीता कहती है। आपने भागवत भी सुनी होंगी, रामायण भी सुनी होंगी, गीता भी पढ़ी होगी, लेकिन वो कहती क्या है, रामायण और भागवत ये गीता कहती है। अगर लाइन अच्छी लगे और आपके दिल के करीब होकर के गुजरे तो तालियां, अन्यथा गालियां। रामायण और भागवत ये गीता कहती है, अरे सच्चे भक्तों के सीने में भगवान की मूरत हो रहती है, सच्चे भक्तों के हृदय में भगवान की मूरत हो रहती है, सच्चे भक्तों के हृदय में भगवान की मूरत हो रहती है। अरे वो था अन्यनी का ये लाला, मैया का लाला बो अंजनी, मैया का लाला हुआ कैसा
मतवाला हूँ वा कैसा वो मतवाला। अरे तनक बात के पीछे उसने सीना चीर दिखा डाला, सीना चीर दिखा डाला भाई, सीना चीर दिखा डाला। लेकिन जब सीना चीरा हनुमान जी ने तो हुआ क्या, वो धन्य भी वो धन्य धन्य बजरंगी, वो तुम धन्य धन्य बजरंगी, अरे तुम धन्य धन्य बजरंगी, माँ सीता कहती है महाराज जी वो तुम धन्य धन्य बजरंगी, माँ सीता कहती है। सच्चे भक्तों के सीने में भगवान की मूरत ओ रहती है, सच्चे भक्तों के हृदय में भगवान की मूरत तो रहती है, सच्चे भक्तों के सीने में भगवान की मूरत हो रहती है, सच्चे भक्तों के सीने में भगवान की मूरत हो रहती है। अब सुनेंगे यहाँ चिकड़ी और किस तरीके से बेटा बताया है आप जैसे विद्वानों ने कि नियत तेरी अच्छी है, कि नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और कर्म यदि तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। मेरा प्रसंग वही प्रसंग है जिस प्रसंग को मैं कल गा रहा था। लक्ष्मण जी और उनके भाई राम उस महल में प्रवेश कर जाते हैं। आज जब राम ने महल में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा, जो पुरुष भगवान का जाप कर रहा है, भजन कर रहा है, जिसका आधा शरीर नर का और आधा शरीर पत्थर का है, भगवान राम इस नजारे को देखकर में आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं सिया जी, क्या पूछ रहे बेटे, पूछन लागे राम कहा तेरो, और पूछन लागे राम कहा तेरो, और नाम हमें बतलाए दे। पत्थर की आधी, पत्थर की आधी दे हरे, तू जाको भेद बताए दे, अरे जाको भेद बताए दे रे, तू जाको भेद बताए दे। पत्थर की आधी तारे रे, तू जाको भेद बताए दे। बहे बदन तेरो सूखा, तेरे कैसे बच रे, कैसे बच रे प्राण रे, मरे तू ने सदन भूखा, मरे तू ने सदन भूखा, मरे तू ने सदन भूखा, तेरे कैसे बच रे प्राण रे, मरे तू ने सदन भूखा। लेकिन बताए हमारे घनश्याम गुरु जी करे भजन मन डोल रहा, अरे करे भजन मन डोल रहा, ऐसे ध्यानों का क्या होगा, जो भक्ति में पागल हो गए उन दीवानों का क्या होगा, अरे दीवानों का क्या होगा, अरे दीवानों का क्या होगा, जो पूछन लागे राम कहा तेरो, नाम हमें बतला दे, और पत्थर की आदि देह रे, तू जाको भेद, तू ये बता तेरा ये आधा शरीर नर का और आधा शरीर पत्थर का क्यों है। एकदम से वो पुरुष हिलकी भर के रो जाता है और भगवान को समझा रहा, कैसे कैसे समझा रहा बेटे, क्या बतलाऊं दिल हाल प्रभु जी,
हो रे 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 हे भगवान राम सुनिए क्या बतलाऊं दिल हाल प्रभु जी टूट गई मेरी तकदीर और कांडव ऋषि ने श्राप दिया जब पत्थर को है गयो शरीर कांडव ऋषि ने श्राप दिया जब पत्थर को है गयो शरीर क्या बतलाऊं दिल हाल राम जी फूट गई मेरी तकदीर कांडव ऋषि ने साप दिया जब पत्थर को है गयो शरीर अरे कांडव ऋषि ने साप दिया जब पत्थर को है गयो शरीर एक दिन का समय था मदिरा पी के मस्त भयो में है कि नगिन रानी न के संग में मैंने द्वंद मचायो है अरे है कि नगिन रानी न के संग में मैंने द्वंद मचायो है कि नगिन रानी न के संग में मैंने द्वंद मचायो है अरे है कि नगिन रानी न के संग में मैंने द्वंद मचायो है और इधर हमारी माताओं की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा हे आ शर्म त्याग दई मैंने तन पे मेरे रयो न चीर हे आ शर्म त्याग दई मैंने तन पे मेरे रयो न चीर कांडव ऋषि ने साप दिया जब पत्थर को है गयो शरीर अरे कांडव ऋषि ने साप दिया जब पत्थर को है गयो शरीर कांडव ऋषि ने साप दिया जब पत्थर को है गयो शरीर प्रभु एक दिन का समय था मैं मदिरा पी करके नगिन होकर के अपनी रानियों के साथ इस बनी में भ्रमण कर रहा था उधर से कांडव ऋषि चले आ रहे थे और कहा अरे मूर्ख जिस स्वरूप को तू नगिन होकर के मुझको दिखा रहा है जा आज से वो तेरा शरीर पत्थर का हो जाएगा मैंने कांडव ऋषि से क्षमा याचना मांगी उन्होंने कहा एक दिन भगवान श्री राम तुझे इसी जगह पर आकर दर्शन देंगे तेरा कल्याण होगा प्रभु आज आपके दर्शन हो गए मेरा कल्याण हो गया भगवान राम ने कहा तू ये बता तेरा नाम क्या है तू कहां का रहने वाला तू किसका पुत्र है आज वो पुरुष भगवान को समझा रहा है कैसे समझा रहा है क्या समझा रहा है अरे मेरी ले गई गिरे लपेटा पेटा और मैं हूँ अहिरा बड़ को पेटा मैं हूँ अहिरा बड़ को पेटा मैं हूँ अहिरा बड़ को भजन तुम्हारो और मैंने किया 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 भजन तुम्हारा प्रभु मेरा नाम विद्यासुर है और मैं ऐरावण का बेटा हूं आज वो पुरुष भगवान राम से वरदान मांग रहा है स्वामी एक मुझे वरदान दे दीजिए क्या वरदान मांगा है उसने क्या मांगा बेटे अरे दान माकू देव तुम प्रभु जी एक वरदान अरे दान माकू देव प्रभु जी एक वरदान अरे दान माकू
मोरी आबाद को राजा बनाओ जी, मोरी आबाद को राजा बनाओ। ध्यान तेरे चरण में धरूंगो मैं तो जा, अरे ध्यान तेरे चरण में धरूंगो प्रभु जी, अरे ध्यान तेरे चरण में धरूंगो प्रभु जी ध्यान। भगवान राम आप मुझे अपना ये रूप और अयोध्या का राजा बना दो। भगवान राम ने कहा तथास्तु जा, मैंने तुझे अपना ये रूप दे दिया और तुझको अयोध्या का राजा बना दूंगा। इस वरदान को लेकर के वो पुरुष भगवान राम के रूप में अयोध्या में पहुंचा। कैसे पहुंचा भैया? कैसे पहुंचा बेटे? सोची दे दिया है वरदान भैया मेरे, दे दियो है वरदान। असुर जब अवध को आयो है कोई पहचान न पायो है, कोई पहचान न पायो है, कोई पहचान न पायो है। सोचुसी ताकू छायो है, सोचुसी ताकू छायो है, सोचुसी ताकू छायो है, सोचुसी ताकू छायो है। सीता कुछायो ए, कहाँ छोड़े तीनों भात, कहाँ छोड़े तीनों भात राम चो इकलो आयो रे। समय अब सुनिए गाना। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, जो होना है। रातें ढलती नहीं दिन बिन गुजरता नहीं, रातें ढलती नहीं दिन भी गुजरता नहीं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं, उसकी मर्जी के बिना यो पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, क्यों होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी की बात है। कोई भक्त भक्त का फेर, कोई भक्त भक्त का फेर, कोई भक्त भक्त का फेर, अरे भक्त बदलने में नहीं कोई लगे जरा सी देर, अरे भक्त बदलने में नहीं कोई लगे जरा सी देर। मैं भक्त गा रहा हूं चार इस गीत के माध्यम से। जो भिखारी तकल वो आज दानी है, जो भिखारी तकल वो आज दानी है, क्या अरे भक्त की मेहरबानी है, भक्त की मेहरबानी।
दुनिया ने जानी। अरे सप्तपादी हरिचंद की गाथा है दुनिया ने जानी। अरे बदला समय तो काशी जाकर बिक गए तीनों पाड़ी। हो बदला समय तो काशी जाके बिक गए तीनों प्राणी। और धूप में तर के घर को भरे पानी है। धूप में तर के घर को भरे पानी है। चाचा एक दिन वो राजा था हरिचंद, लेकिन जब भक्त बलदा तो मेहतर के घर का पानी भरना पड़ रहा है। ये भक्त की बात है, भक्त के साथ साथ आदमी की हालात भी बदल जाती है। अरे धूप में तर के घर को भरे पानी है क्यों? अरे भक्त की मेहरबानी है, भक्त की मेहरबानी है, भक्त की मेहरबानी है। और अब दूसरा भक्त गा रहा हूं, भिलनी के या लक्ष्मण जी ने, भिलनी के या लक्ष्मण जी ने किए काम अनूठे। भिलनी के या लक्ष्मण जी ने किए काम अनूठे। अरे भिलनी के या लक्ष्मण जी ने किए काम अनूठे। और 10 रुपए का आशीर्वाद हमारे छोटे भाई की तरफ से। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे हमारे छोटे भाई का। अरे भिलनी के या लक्ष्मण जी ने किए काम अनूठे। अरे खाए नहीं थे फेंको दिए थे फिर बता के झूठे। अरे खाए नहीं थे फेंको दिए थे फिर बता के झूठे। अरे खाए नहीं थे फेंको दिए थे फिर बता के झूठे। और इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार रेटा श्री बजेंद्र सिंह जी दे रहे हैं, रेटा निवासी। खाए नहीं थे फेंको दिए थे फिर बता के झूठे। अरे खाए नहीं थे फेंको दिए थे फिर बता के झूठे। लेकिन हुआ क्या, वही झूठन पड़ी उनको खानी है। वही झूठन पड़ी उनको खानी है। और जब लक्ष्मण जी के शक्ति लग गई, मूर्छित हो गए, तो दौड़ा कर जाकर के हनुमान जी बूटी लाए। जो झूठे बेर नहीं खाए थे लक्ष्मण जी ने भिल्ली किया, कोई बेर जाकर के सरजी बनी बूटी बने। एक दिन उन बेरों को फेंका था, आज वही झूठन खानी पड़ रही है। ये भक्त की बात है, कोई झूठन पड़ी उनको खानी है। क्यों खानी पड़ी? अरे भक्त की मेहरबानी है, भक्त की मेहरबानी है, भक्त की मेहरबानी है। और अब तीसरा भक्त गा रहा हूं, समय घटाता मान को समय बढ़ाता मान, समय घटाता मान को ये समय बढ़ाए मान, समय घटाए मान को ये समय बढ़ाए मान। और श्री मोहनलाल जी हमारे चाचा श्री हरवाड़ा निवासी दे रहे, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। अरे समय घटाता मान को, इसी बीच 10 रुपए का आशीर्वाद, गुप्त दान महाकल्याण। और ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई की तरफ से। अरे भक्त घटाता मान को भक्त बढ़ाता मान, समय घटाए मान को ये भक्त बढ़ाए मान। और कल्याण अच्छी लगे तो तालियों का पैर चाहूंगा। अरे भीलन लूटी को बिका तो वोई अर्जुन वोई बाण, अरे भीलन लूटी को बिका तो वे अर्जुन वे बाण। अर्जुन बड़ा तीरंदाज बनता था, केवल 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट ही नहीं बाकी है, बड़ा तीरंदाज बनता था। लेकिन जब भक्त बलदा तो वोई गोपिकाई वोई ग्वाल वाले
भीलों से भी हार माननी पड़ी तो इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। अरे भीलन लूटी गोपिका तो भी अर्जुन बेईमान, हार अर्जुन ने भीलों से मानी है क्यों? अरे भक्त की मेहरबानी है, भक्त की मेहरबानी है। और समय की अंत मिलान, अरे राजा से नल रंक बन गया। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो रोड पे भीख मांगते थे आज वो एसी गाड़ियों में और एसी कोठियों में डले हुए, और जो एसी कमरे में रहते थे आज उनके लिए रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। ये भक्त की बात है। अरे राजा से नल रंक बन गया कुछ ही समय के भीतर, राजा से नल रंक बन गया कुछ ही समय के भीतर। अरे खूटी हार लील गई उड़ गए भुजे भुजाए तीतर, अरे खूटी हार लील गई उड़ गए भुजे भुजाए तीतर। एक दिन राजा नल को बहुत तेज भूख लगी तो वो एक जंगल में गया और जंगल में जाकर के दो तीतरों को पकड़ लाया, उनको भूनने लगा खाने के लिए। लेकिन जब भक्त बनना तो खूटी तो हारे लील गई और भुजे भुजाए तीतर उड़ने लग गए। अरे खूटी हार लील गई उड़ गए भुजे भुजाए तीतर, अरे भीकम रसी या ये बैरग की निशानी है, भीकम रसी या ये बैरग की निशानी है। अरे भक्त की मेहरबानी है। और इसी बीच 20 रुपए का पुरस्कार हमारे छोटे भाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर।